हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसके स्ट्रीमेकर के बारे में। काफ़ी लोग का बहुत सारा सवाल आया, जबकि मैंने बहुत सारा वीडियो इस पे बना चुका हूं पहले से ऑलरेडी। आप लोग वीडियो तो पहले देखते नहीं हो, अगर जो आप लोग कंप्लीट वो वीडियो देख लेते हो एसके स्ट्रीमेकर के बारे में, मैंने 14 वीडियो पहले से बना चुका है, ठीक है। ये 15 वीडियो है, ठीक है। तो ए टू जेड सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी मेरे पास बहुत सारा सवाल आता है इसमें कि सर, अगर जो मतलब स्ट्रीमेकर पर जो भी हम काम करते हैं तो इसका सैलरी कब आता है या कितना सैलरी मिलता है, या हमको अगर जो 10 लाख का टारगेट है, 10 लाख हम टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो मेरा 2 लाख 4 लाख आता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपका कितना सैलरी आता है या कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोग से कम वीडियो पूरा देखना ताकि हर कुछ आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। और इसमें यह भी चीज बताऊंगा कि आपका अगर जो जैसे अगस्त में आप मतलब पूरा कंप्लीट किए, पूरा टर्म कंडीशन कंप्लीट किए, 15 डे 40 घंटे कंप्लीट किए, 10 लाख या जितना 20 लाख 12 लाख जितना आप क्वाइन मतलब इकट्ठा किए, तो उसका क्या सैलरी आता है या कब मिलता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। ए टू जेड पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपका सैलरी कितना मिलता है और कब मिलता है और कब से मतलब कितना उसका टाइमिंग होता है मिलने का और कितना टाइमिंग होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ है कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री से हैं, ठीक है, तो वो लोग कभी भी आईडी जब वेरीफाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश या नेपाल से, इधर से अगर जो है मेरे एजेंसी से अगर जो आईडी वेरीफाई करते हैं तो उन लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अपना अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करें, ताकि मेरा एजेंसी का कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जाके जब आप आईडी वेरीफाई करते हो तो अकाउंट नंबर अपना डाल के बैंक अकाउंट फिर वेरीफाई करना, उससे क्या होता है कि एसके से हम तुरंत परमिशन दे देंगे, वहाँ से एसके डायरेक्ट आपके अकाउंट में सैलरी देगा, ठीक है। और कई लोगों का ये भी प्रश्न इसमें सवाल आता है कि सर, मेरा एजेंसी इतना पैसे काट लिया या इतना ये प्रॉब्लम है वो, मैं हर एक प्रॉब्लम का इसमें सॉल्व कर देता हूँ। पहले बता दें, किसी का एजेंसी पैसे नहीं काटता है, ठीक है। उसका आगे रीजन क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप सबको मिलेगी। मैं सबसे पहले आप लोग का पहला कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। देखो, जैसे आपका जो एसके का कंडीशन है, ठीक है, उसका कंडीशन क्या है, आपको एक मंथ में 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में आपको 15 डे कंटिन्यू लाइव रहना होता है और 40 घंटे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। काफी लोग का ये भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, आपको एक महीने का पूरा टाइम होता है, इसमें आपको 15 दिन ही लाइव रहना पड़ता है और 40 घंटे आपको कंप्लीट करना पड़ता है, बीच में आपको एक महीने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। एक महीने में आप कभी भी ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यह याद रखना कि 15 डे आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट अर्निंग में जा सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, अर्निंग में जाके वहां पे आप एक्चुअल अर्निंग मिनट और घंटे डे सब कुछ यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन में आता है कि देखो, जो फर्स्ट टारगेट होता है अगर जो जो क्वाइन का, वो देखो 10 लाख का होता है, ठीक है, जो एसके का रूल है, ठीक है। अगर जो 15 डे कंप्लीट कर लेते हो, अगर जो 10 लाख क्वाइन कंप्लीट कर लेते हो, 40 घंटे कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका सैलरी आता है जो फर्स्ट मंथ का है वो $100 प्लस $30 बोनस है। अब काफ़ी लोग का ये भी है कि सर, 8,500 रुपये सैलरी बताओ, इसमें बोनस क्या है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। कि वैसे पहले ये चीज़ बता दूं कि कई लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि जब हम डॉलर का करेंसी 73 मिलता है, लेकिन 73 यूएसए डॉलर का करेंसी मिलता है, लेकिन एसके वाला एजेंसी को क्या करेंसी देता है, 65 देता है, ठीक है। तो 65 के हिसाब से हर एजेंसी आप लोग को मतलब सैलरी दिलवाता है या सैलरी देता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना। दूसरी बात है कि डॉलर में सैलरी आता है, ठीक है। अगर जो आप 10 लाख कंप्लीट करते हो और बाकी घंटे और डे पूरे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी आती है $100, ठीक है। $100 अगर सैलरी आती है 10 लाख पे, अगर जो आपका फर्स्ट मंथ है या सेकंड मंथ है, तो आपका उसमें $30 फर्स्ट मंथ में बोनस मिलता है और सेकंड मंथ में आपका $20 बोनस मिलता है। यानी फर्स्ट मंथ में आपको $130 सैलरी आएगा जो 8,500 रुपए बनता है, यानी 8,400 8,300 ऐसे के आसपास बनेगा, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। और अगर जो सेकेंड मंथ का आप कर रहे हो 10 लाख का, तो उसमें आपका $120 सैलरी मिलता है, ठीक है। बाकी अगर जो अब मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जा सकते हो या करेंसी चेक कर सकते हो 65 में, और उसका मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो $130 का $120 का, ठीक है, क्या आपका सैलरी आता है, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन है कि सर, अगर जो 10 लाख अगर जो करना होता है, अगर जो मेरा 10 लाख नहीं हो, 5 ही लाख हो, 4 लाख हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखो, आपका एसके जब आप आईडी वेरीफाई करने जाते हो तो वहाँ पे लिखा है ठीक से कि आप जब आईडी वेरीफाई कर रहे हो तो मैक्सिमम आपका 2 लाख भी क्वाइन होता है तो आपका सैलरी आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम लोग बताते नहीं हैं। मान लो आपका कंडीशन पहले पूरा करना पड़ेगा 15 डे 40 घंटे, उसके बाद अगर जो 2 लाख करते हो तो 2 लाख पे आपका $10 मिलता है, $10 का 650 रुपये हुआ, ठीक है। तो इस मतलब इस हिसाब से ये हुआ कि आप एक महीने मेहनत करते हो तो
$10 आप क्या करोगे, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 10 लाख पे बताते हैं। 10 लाख पे आपका बोनस के साथ आता है, ठीक है। आपका 2 लाख रहेगा फिर भी सैलरी मिलेगा, 4 लाख रहेगा फिर भी सैलरी मिलेगा, 10 लाख रहेगा फिर भी आपका, लेकिन 10 लाख रहेगा तो आपका अच्छा सैलरी मिलता है, जो आपका जो मैक्सिमम सैलरी होता है और प्लस बोनस होता है, ठीक है। मैं हर चीज़ का वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन सबका लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप मेरे प्ले वहाँ पे मेरे प्रोफाइल खोलना है यूट्यूब का, वहाँ पे प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट पर ओपन करना, वहाँ पर SK स्ट्री मेकर लाइव का एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर पर आप क्लिक करोगे तो मेरा 14 या 15 वीडियो मिलेगा। वहाँ पर हर चीज़ बताया हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे ID वेरीफाई करते हैं और कैसे इस पर टारगेट करते हैं, क्या इसका बोनस सैलरी है, कितना इसका मतलब इसका बेसिक सैलरी है और क्राउन लगने पे क्या है, मैं हर चीज़ बताया हूँ। तो आप लोग वीडियो पहले देख लो, वीडियो आप लोग देखते नहीं हो और डायरेक्ट कमेंट में सवाल करते हो, लेकिन अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए जो नहीं समझ में आए तो, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो देख लेना, ये भी वीडियो उम्मीद करता हूँ कंप्लीट देखना, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन मैं हर चीज़ हर डिटेल बताऊँगा। अब दूसरा, कई लोगों का सवाल ये होता है कि अगर जो 10 लाख के ऊपर हमारा 20 लाख का टारगेट होता है, पहले SK का टारगेट समझ लेना। SK क्या बोलता है कि 10 करना है या 20 करना है या 40 या 60 ऐसे करना है, लेकिन कई लोगों का ऐसा स्थिति होता है कि अगर जो 10 वो लोग करते हैं लेकिन उन लोग से 12 हो जाता है, ठीक है, या मतलब 20 नहीं कंप्लीट हो जाता है या 13 हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग एग्जिट सैलरी नहीं बता सकते हैं। इसलिए एग्जिट सैलरी नहीं बता सकते हैं जो 10 लाख का है या 20 लाख का है, तो ये कन्फर्म हम बता सकते हैं कि 10 लाख पर मेरा इतना डॉलर सैलरी बनता है, जैसे कि मैं बताया $100 होता है, ठीक है। अगर जो बेसिक सैलरी होता है $100 होता है। अगर जो आप 2 लाख या 4 लाख एक्स्ट्रा कर रहे हो, ठीक है, तो SK वाला डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना टाइमिंग किए हो कितना नहीं किए हो, वो SK वाला जब सैलरी सीट भेजता है तो पता चलता है कि नहीं इतना सैलरी मिला है, ठीक है। और उसके बाद से एक सवाल मेरे सामने ऐसा भी आया है कि सर ये बताओ, अगर जो हम केवल मतलब टाइमिंग पूरा कर देते हैं या घंटे पूरा कर देते हैं, डे कंप्लीट कर देते हैं, अगर जो मेरा टारगेट नहीं होता है जो क्वाइन का, तो उस पर क्या हिसाब है? देखो, अगर जो टाइमिंग पूरा करने से SK का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, जो आपका क्वाइन आता है वही क्वाइन कैलकुलेट करके फिर SK सैलरी देता है, ठीक है। और जो टाइमिंग आप करते हो उसके बदले ये बोनस देता है। जब आप काम करोगे ही नहीं, मतलब आप केवल टाइमिंग कर लोगे, अगर जो आप डॉलर या मतलब डायमंड नहीं इकट्ठा कर पाओगे तो आपका सैलरी कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात नहीं देगा सैलरी, ठीक है, SK सैलरी नहीं देता है। और आप लोग प्रेशर देते हो एजेंसी को, एजेंसी कहां से अपने घर से तो देगा नहीं सैलरी, ठीक है, यही बात है। और काफी लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि देखो, जैसे कि मान लो अगर जो किसी का भी से टारगेट चल रहा है, ठीक है, जो भी आप 10 लाख 15 लाख का टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल मान के चलो, अगर जो अगस्त में आप कंप्लीट कर लिए 10 लाख या 20 लाख जो भी टारगेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो सैलरी का एग्जिट टाइम क्या होता है कि सैलरी से पहले जैसे कंप्लीट करने, उसके बाद से मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, सर क्या हुआ, सैलरी अभी तक आया नहीं। देखो, SK का रूल क्या है, 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में ओनेस्ट महीने जैसे सैलरी देता है, ठीक है। मान के चलो आप अगस्त में सैलरी कंप्लीट कर लिए, ठीक है, अगस्त में सैलरी कंप्लीट कर लिए, तो इस महीने में आपको 15 से लेके जैसे 16 तारीख है, ठीक है, तो 15 से लेके 20 तारीख के बीच में सैलरी आता है, ठीक है। जैसे पिछले महीने में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो उसमें 23 तारीख में सैलरी मिला था, कई लोग का 22 का, किसी का 23 का, किसी का 25 तक का भी गया था। और इसमें एक चीज़ बता दूँ कि डायरेक्ट किसी का मतलब हर एजेंसी का एक ही बार सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है, एक रूल होता है, ठीक है, बीच में एक एडमिन होता है। एक एडमिन क्या होता है, जैसे SK डायरेक्ट आपने जो भी यूज़र है वो प्रोवाइड करता है एडमिन को, एडमिन के अंदर में 40-50 एजेंसी होता है, वो प्रोवाइड करता है अपने एजेंसी को, ठीक है। अब एक दिन में ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर 40-50 आदमी को मतलब वो लोग सैलरी पेड कर दें, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब करना पड़ता है। अगर जो एक क्वाइन भी मिस होता है तो आप लोग सवाल करने लगते हो, नहीं मेरा इतना हुआ इतना क्यों दिया, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए 15 से 20 तक जो टाइमिंग होता है इसका, तो उसके बीच में मतलब सैलरी मिल जाता है। अब कई लोगों का कंफ्यूजन है, सर इसका एजेंसी का आ गया आपका एजेंसी का नहीं आया, या इसका आ गया इसका क्यों नहीं आया, तो इसमें देखो क्या सिचुएशन होता है, जो बहुत सारे मतलब जो एजेंसी होता है तो सबका एक ही साथ सैलरी नहीं मिल जाता, SK सबका हिसाब कर करके एक एक बार सैलरी ऐसे करके प्रोवाइड करता है, नहीं तो ऐसा हो जाता एक ही साथ मिल जाता तो सबका एक ही साथ मिल जाएगा, ठीक है। और SK आप ही के पैसे की सैलरी देता है ना, मान लो जो आप क्वाइन इकट्ठा कर रहे हो तो उसका भी हिसाब करना है ना, एक एक आदमी का हिसाब करना होता है। मान लो आपका तो एक आदमी का अगर जो टारगेट हुआ है तो आप एजेंसी से लड़ते हो कि एक आदमी का टारगेट हुआ मेरा सैलरी क्यों नहीं मिला, ठीक है, लेकिन SK जो करोड़ों में चल रहा है, करोड़ों का हिसाब करना है, तो उसको तो जाहिर सी बात है 5-6 दिन का उसको टाइम दे देने दो, ठीक है। और ये बेफिक्र रहना, किसी का सैलरी 1 रुपये कभी कहीं भी नहीं फंसता है। कई लोगों का जो सवाल मैंने अभी बताया था कि मेरा एजेंसी थोड़ा पैसे कम देता है या मेरा एजेंसी इतना पैसे काट लेता है, देखो कोई एजेंसी पैसे इसमें काटता नहीं है। रीज़न क्या होता है कि देखो, एक एजेंसी को मान के चलो 100-200 मतलब क्लाइंट हैं, उसके यूजर हैं काम करने वाले, ठीक है। अब उसके अकाउंट में जब सैलरी आता है, ठीक है, तो मान लो किसी के 10 लाख 5 लाख ऐसे भी सैलरी आता है, ठीक है, तो उसको भी टैक्स भरना पड़ता है,
ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि टैक्स टैक्स है, आप जिसके भी अकाउंट में वो पैसे डलवाएगा लगवाएगा तो उसके भी जेब से पैसे लगता है। तो इसीलिए कुछ एजेंसी हैं कि हो सकता है 100-200 रुपए कहीं काटते होंगे, लेकिन उनका उसके पीछे रीजन है। आपको अगर मान के चलो अगर जो टाइम टू टाइम पैसे मिल जाता है 100-150 रुपए के लिए, उतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस अपने अगर जो टारगेट पर ध्यान देते हो, अपना काम करते हो, तो उतना से कितना 100-150 आएगा। और वही एजेंसी कभी कभी आपको सपोर्ट भी कर देते हो, वो भी तो देख लिया करो। कम से कम मान लो 2 लाख 1 लाख कभी कभी अगर जो आपका कमी पड़ता है तो एजेंसी खुद जाकर सपोर्ट कर दिया करता है, ठीक है। मेरे भी एजेंसी सपोर्ट कर देता है। और बीच में थोड़े देर के लिए बस ये बता दूं, अगर जो मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मेरे एजेंसी नंबर ये है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो एजेंसी सब वेरीफाई कर सकते हो। और जो भी आपका सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरा फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो डायरेक्ट। कोई से भाई ऐसा सवाल होगा तो आप सैंपली पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही बताने का मकसद है। तो आप लोग का शायद समझ में आ गया होगा कि जो भी एसके सैलरी देता है, ठीक है, उसका एक टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन 15 से 20 तारीख का इसका ये बीच में टाइम फिक्स होता है। इसके बीच में वो कभी भी हर एजेंसी का सैलरी दे देता है। किसी का 15 का आ गया होगा, आज 16 किसी का आज आ गया होगा, ठीक है। मेरे एजेंसी का भी नहीं आया, हो सकता है 20 तारीख तक आ जाए, या पिछले मंथ में थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसी वजह से कहीं हो सकता है कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन सैलरी किसी का नहीं फंसेगा। आप जैसे काम करते हो आराम से अपना अच्छे से काम करो, ठीक है। और जो भी अगर जो आपके मन में सवाल होगा तो आप सिंपली पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बस ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोग का सब कुछ समझ में आए, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे आईडी वेरीफाई करना है, कैसे इसको टारगेट करना है। मैं ए टू जेड पूरी वीडियो बना के यहाँ पे डाल चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे हम आईडी वेरीफाई करते हैं, कैसे पेमेंट लेते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं, कैसे एजेंसी पैसे देगी, कितना आपका सैलरी मिलेगा, ए टू जेड पूरा मैं बना चुका हूँ, ठीक है। आप ठीक से देखो तो कम से कम वीडियो आप वीडियो देख लोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बाकी आपके नज़र में कोई और सवाल होगा या कुछ मतलब कोई बात होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि मतलब ये सवाल है, या कुछ भी हम कमेंट का रिप्लाई भी कर देते हैं, या पर्सनली कॉन्टेक्ट करके उन लोग से बता देते हैं कि ऐसा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर नए होगा तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।